सो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू सी एस कंसेप्ट सिंप्लीफाइड। सो गाइस फाइनली आज आप सभी लोग का कैप राउंड 3 का अलॉटमेंट रिलीज होने वाला है। सो गाइस आज आप सब लोग बहुत एक्साइटेड होंगे क्योंकि आज आपको फाइनली मालूम पड़ जाएगा कि आपको कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच अलॉट हुई है। सबसे पहले अपने कैप राउंड में जो भी अलॉटमेंट आए उसमें एडमिशन लेके रख दो, एक सिक्योरिटी लेके रख दो, उसके बाद स्पॉट और इंस्टीट्यूशन में ट्राई करना। बिकॉज इस साल सभी बच्चों को मालूम है स्पॉट और इंस्टीट्यूशन तो कंपटीशन बहुत हाई है इस साल और सीट वैकेंसी कम है। इस साल का थोड़ा सीनेरियो अलग है, इसीलिए बैकअप में कैप का कॉलेज में एडमिशन हर एक बच्चे को सिक्योर करके रख देना है। अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका अलॉटमेंट कितने बजे रिलीज होगा, अलॉटमेंट के बाद का रिपोर्टिंग प्रोसीजर क्या रहता है, रिपोर्टिंग के लिए कितना टाइम मिलेगा और आपने जब रिपोर्ट करने जाओगे तो कॉलेज से आपको क्या क्या चीज़ें कलेक्ट करके रखनी है और फिर आपको वो जो चीज़ आपको मिलेगी उससे आप स्पॉट में एडमिशन ले सकते हो। इस सब चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करने वाले, तो वीडियो को जरूर एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा फॉर द कैप एडमिशन एंड द स्पॉट इंस्टीट्यूशनल एडमिशन। सो गाइज फाइनली आप सब लोग स्क्रीन पे देख सकते हो आज है 5th September। सो आज है टीचर्स डे, तो टीचर्स डे के दिन आपको आज फाइनल अलॉटमेंट आने वाला है कैप राउंड 3 का। सो ये दिन आपको याद रहेगा बिकॉज आज आपको फाइनली कैप प्रोसेस का जो कॉलेज मिलना है वो आज मिल जाएगा। उसके बाद आप सभी का रिपोर्टिंग का जो शेड्यूल है, रिपोर्टिंग का शेड्यूल 6 से लेकर 9 September तक है। 9 September को भी आपको 5 बजे से पहले कॉलेज में रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो आपको पहले तो सीट एक्सेप्टेंस रहेगा। सीट एक्सेप्टेंस क्या होता है, जब आप लॉगिन करोगे लॉगिन करने पे एक ऑप्शन आएगा, डू यू वांट टू एक्सेप्ट दिस सीट, यस के ऊपर क्लिक करना है, ओटीपी डालना है और सीट एक्सेप्ट करनी है। उसके बाद आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है। कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए क्या क्या चीज़ें लगती है, सबसे पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ, FC वेरीफाइड कॉपी लेके जाओ और 2 जेरोक्स सेट लेके जाना डॉक्यूमेंट्स का। आप पहले जाके डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो वहाँ पे सारे। उसके बाद आपको वहाँ पे फर्स्ट ईयर की फ़ी पेमेंट करनी होती है। फ़ी पेमेंट के लिए मोड क्या होता है, कॉलेजेस की वेबसाइट पे मेंशन होता है और जब भी आप फ्रीज करोगे ना आपको कोऑर्डिनेटर का फ़ोन नंबर मिलेगा, तो कोऑर्डिनेटर को फ़ोन करके भी एक बार पूछ लेना कि मोड ऑफ पेमेंट क्या है और फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। और अगर जिस जिस कॉलेज में डिमांड ड्राफ्ट है तो डिमांड ड्राफ्ट का एग्जैक्ट अमाउंट और डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर आपका नेम देख लेना कि आपको कौन से नाम से डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, इसमें मिस्टेक मत करना, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ है, तो एक बार आप कंफर्म कर लेना कॉलेजेस की वेबसाइट पे, हर एक वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आ जाता है रिपोर्टिंग इंस्ट्रक्शंस करके, वहाँ पे सब चीज़ें मेंशन होती है। एक बार कॉलेजेस की, जो भी कॉलेज अलॉट हो उसकी वेबसाइट विजिट करके एक बार चेक कर लो। तो ये है, आपको रिपोर्ट करना है 9 तारीख को शाम को 5 बजे से पहले। सबसे पहले 6 तारीख 7 तारीख 8 तारीख 9 तारीख 4 दिन मिलेंगे और चारों दिन कॉलेजेस विल बी ओपन। आपको कोऑर्डिनेटर का नंबर मिलेगा, कोऑर्डिनेटर को एक बार कॉल करके पूछ लेना गणेश चतुर्थी के दिन आपका कॉलेज ओपन है या नहीं। बाकी संडे को तो ओपन रहने वाले, सैटरडे का एक कंफर्मेशन ले लेना बिकॉज कॉलेजेस के ऊपर डिपेंड करता है ये चीज़। अगर कॉलेजेस में फैकल्टी रहेगी तो फिर वो लोग एडमिशन ओपन रखते हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस चारों दिन को ओपन है फॉर द एडमिशन प्रोसेस। तो ये हुआ। अभी जब आपने कॉलेजेस में इस सब चीज़ें सबमिट कर दी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, FC वेरीफाइड कॉपी, 1 set of Xerox, एक दूसरा सेट आपको रिटर्न बैक मिलता है, उसके बाद आपको कॉलेजेस से क्या कलेक्ट करना है, सबसे पहले फी रिसिप्ट कलेक्ट करनी है और एक डॉक्यूमेंट रिटेंशन लेटर कलेक्ट करना है। अब ये डॉक्यूमेंट रिटेंशन लेटर क्या होता है, ये एक लेटर रहता है जिसमें कॉलेजेस स्टेट करते हैं कि आपने इस कॉलेजेस में एडमिशन के टाइम ये डॉक्यूमेंट सबमिट किए हुए हैं। तो आपको एक डॉक्यूमेंट रिटेंशन लेटर वो लोग प्रोवाइड करते हैं जिसमें डॉक्यूमेंट्स के ऊपर टिक मार्क रहता है कि आपने ये कॉलेज में ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करके रखे। तो ये जो लेटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है, इस लेटर का 3 से 4 Xerox copy निकाल के रख देना डॉक्यूमेंट रिटेंशन लेटर का, क्योंकि ये लेटर के ऊपर आपका स्पॉट एडमिशन होता है। स्पॉट एडमिशन के टाइम आपको डॉक्यूमेंट रिटेंशन लेटर दिखाना होता है, वहाँ पे आपको फ़ी पेमेंट करनी होती है, फिर वहाँ पे एडमिशन कंफर्म करना होता है, फिर यहाँ पे आके अपने पहले कॉलेज में आकर एडमिशन कैंसिल करके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वापस कलेक्ट करने पड़ेंगे और वो जो कलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स है वापस स्पॉट के कॉलेज में जाके सबमिट करने पड़ेंगे। तो ये इसीलिए बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बट डॉक्यूमेंट रिटेंशन लेटर संभाल के रखो क्योंकि इसी के ऊपर आपका एडमिशन होने वाला है इन द स्पॉट एंड इंस्टीट्यूशनल राउंड्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट था। बाकी आपका अलॉटमेंट आज कितने बजे रिलीज होगा, अलॉटमेंट का टाइम आप सब लोग को भी मालूम है, आप सब लोग बहुत ही एक्सपीरियंस भी हो चुके हो CET से, कि CET सेल है शाम के टाइम को रात के टाइम को ही रिलीज करेगा। तो 7 बजे 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा।
So don't worry. Guys, one important major update regarding Spot Institutional Rounds. गाइज नीचे आपको व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक मिलेंगे. मुंबई का व्हाट्सएप ग्रुप अलग है, पुणे का व्हाट्सएप ग्रुप अलग है. ये दो व्हाट्सएप ग्रुप हमने क्रिएट किए हैं फॉर द स्पॉट इंस्टीट्यूशनल अपडेट. अभी स्पॉट राउंड में क्या होता है, सीट कैंसिल भी होती है, सीट फिल भी होती है, तो ये चलता ही रहता है पूरा प्रोसेस. तो आपको भी अपडेट्स चेक कि भैया ये कॉलेज में क्या सीनेरियो चल रहा है, ये कॉलेज में कितने परसेंटाइल पे क्या कट ऑफ गई स्पॉट राउंड में, कि मैं नेक्स्ट डे पे अटेंड कर सकूं. इन सभी के लिए हमने ये ग्रुप्स क्रिएट किए, तो ये दोनों ग्रुप्स ज्वाइन करके रखो, बिकॉज स्पॉट राउंड में आपको भी नहीं मालूम कौन से कॉलेज में क्या सीनेरियो चल रहे. अगर कोई दूसरा कोई अटेंड कर रहा हो तो वो आपके साथ शेयर कर सकता है, भैया ये कॉलेज में ये चल रहा है, हमारे कॉलेज में ये चल रहा है. तो आप दोनों कॉलेजेस का देख सकते हो और उसके हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हो गाइस. तो ये दोनों व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखो और ऐप डाउनलोड करके रखो. ऐप के ऊपर आपके स्पॉट के जितने भी ऑनलाइन फॉर्म्स है वो सारे हमने अपडेट करके रखे. तो ऐप आपको डाउनलोड करके रखना है, ऐप के ऊपर सारी चीज़ आपको मिलने वाली है. तो अभी भी फिलहाल टाइम है, 3 से 4 दिन है, इंपॉर्टेंट टाइम है. आपका अपग्रेडेशन भी हो सकता है, अच्छे कॉलेज में अच्छी ब्रांच भी मिल सकती है, क्योंकि नई नई सीट्स भी ऐड हो रही है. विश्वकर्मा की 500 सीट, डीजे सांगवी की 200 सीट, SPIIT की सीट्स, इंस्टीट्यूशनल की सीट्स, जो ऐड ऑन होगी ना सीट, इससे आपके बहुत सारे चेंजेस होंगे इन द स्पॉट वैकेंसी राउंड. आपको बहुत अच्छा चांस मिलने वाला है, तो ये चांस मिस मत करो. ऐप डाउनलोड करके रखो और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखो. चलो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे. बाकी बेस्ट ऑफ लक, जैसे ही अलॉटमेंट आए मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि आपको कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच फाइनल अलॉट हुई है. चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियोज़.